नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल शेयर नॉलेज पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे देश के राज्य में गवर्नर की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, और साथ ही साथ हम गवर्नर के उन सारे महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में चर्चा करेंगे जो उनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ जानकारियाँ उपलब्ध है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार जिस राज्य में गवर्नर की नियुक्ति की गई है उस राज्य में गवर्नर का एक ऑफिस होना आवश्यक है। साधारण तौर पर हर राज्य का एक एक अलग गवर्नर होता है, लेकिन संविधान के 7वें संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति गवर्नर के रूप में एक या एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार का संचालन कर सकता है। राष्ट्रपति के भांति गवर्नर भी एक राज्य के श्रेष्ठ कार्यकारी व्यक्तियों में से एक होता है, पर राष्ट्रपति की भांति उनके पास की शक्तियाँ भी सिर्फ नाम मात्र की होती है। जब गवर्नर दो या दो से अधिक राज्यों का कार्यभार संभालते हैं तो वह कोई भी निर्णय उस राज्य के मंत्रियों के संग चर्चा करने के पश्चात ही लेते हैं। गवर्नर केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। इस प्रकार गवर्नर एक ही पद पर रहकर दो अलग अलग कार्य को निभाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति मंत्रालय के परामर्श पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य के गवर्नर को नियुक्त करता है। क्योंकि गवर्नर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए वह राज्य के सारे कार्यों की जानकारी केंद्र को उपलब्ध करवाता है। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनका कार्यकाल को वह बढ़ा भी सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। गवर्नर को यह अधिकार है कि वह जब चाहे तब रिज़ाइन कर सकते हैं और प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप सकते हैं। विधानसभा और हाई कोर्ट को गवर्नर को हटाने के लिए किसी भी प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है। गवर्नर के नियुक्ति की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति को गवर्नर के पद पर नियुक्त होने के लिए भारत के नागरिकता की आवश्यकता होती है और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके पास किसी भी प्रकार की सरकारी पद नहीं होनी चाहिए। उनके विशेषाधिकार, उनके वेतन आदि का निर्धारण हमारे देश के सदन में किया जाता है। जब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के गवर्नर का कार्यभार संभालता है तो राष्ट्रपति उनके वेतन को दोनों राज्यों में समान समान रूप से आवंटित कर देते हैं। गवर्नर की सैलरी उनके कार्यकाल में कम नहीं होनी चाहिए या कम नहीं करना चाहिए। गवर्नर का शपथ ग्रहण हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पूर्ण कराया जाता है और उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनका शपथ ग्रहण का कार्य पूर्ण कराया जाता है। उनके सैलरी, वेतन या दूसरे विशेषाधिकार गवर्नर को उनका वेतन राज्य के पूंजी कोष से दिया जाता है। गवर्नर एक्ट 1982 के अनुसार गवर्नर को 36,000 वेतन, बिना किराए के घर और कुछ विशेषाधिकार देने का प्रावधान है।
और आर्टिकल 1987 के अनुसार गवर्नर को दी जाने वाली वेतन उनके विशेषाधिकार को उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 361 के अनुसार गवर्नर अपने किसी भी कार्य के लिए हाई कोर्ट को जवाबदेह नहीं है। हाई कोर्ट उनके कार्य पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठा सकता है। गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हाई कोर्ट उन पर कोई भी क्रिमिनल केस को नहीं चला सकता है, और अगर हाई कोर्ट किसी भी प्रकार का सिविल केस चलाता है गवर्नर के ऊपर उस समय, तो उसे गवर्नर के सम्मान में 2 महीने पहले की नोटिस गवर्नर को देनी पड़ती है। कोर्ट किसी भी प्रकार की अरेस्ट वारंट गवर्नर के विरुद्ध जारी नहीं कर सकती है उनके कार्यकाल के दौरान। शक्ति। राष्ट्रपति की भांति गवर्नर के पास भी कार्यकारी, न्यायिक और आर्थिक शक्तियां होती है, पर गवर्नर के पास राष्ट्रपति के भांति राजनयिक, सैनिक और इमरजेंसी की शक्तियां उपलब्ध नहीं होती है। पर गवर्नर के पास ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास भी उपलब्ध नहीं है। गवर्नर की कार्यकारी शक्तियां। राज्य में सभी प्रकार के कार्यकारी कार्य गवर्नर के नाम पर ही किए जाते हैं। इनके द्वारा निर्णय कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिनसे यह प्रमाणित किया जा सकता है कि सारे निर्णय वास्तव में गवर्नर द्वारा दिए जा रहे हैं या नहीं। वह राज्य सरकार के कार्यों को सुविधाजनक करने तथा मंत्रियों के कार्यों को सुगम बनाने के लिए कुछ नियम भी बनाते हैं, जैसे कि आगे भी बता चुके हैं कि गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं और चीफ मिनिस्टर के परामर्श पर ही वह अन्य मिनिस्टर्स को भी नियुक्त करते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में गवर्नर जनजाति समूह से भी एक मंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है, और उनके वेतन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी गवर्नर के द्वारा ही की जाती है। जब तक गवर्नर चाहे तब तक एडवोकेट जनरल अपने पद पर नियुक्त रह सकते हैं। गवर्नर ही इलेक्शन कमिश्नर के मुख्य कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और उनकी सारी सुविधाओं का निर्धारण भी वही करते हैं। गवर्नर ही चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन की नियुक्ति करते हैं, पर गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उन्हें अपने पद से हटा सके। अगर गवर्नर चाहे तो वह मुख्यमंत्री से किसी भी प्रशासनिक विषय पर प्रश्न कर उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अगर अत्यधिक आवश्यकता हुई तो वह मुख्यमंत्री से ऐसे प्रस्ताव के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं जो उनके मंत्रिमंडल में किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित तो किया गया परंतु मंत्रिमंडल में उसे बहुमत से माना नहीं गया। गवर्नर राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है कि वह राज्य में इमरजेंसी लगा दे, और राष्ट्रपति का शासन जिन राज्यों में होता है उन राज्यों में गवर्नर की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। वह और अधिक शक्ति का प्रयोग उन राज्यों में कर सकते हैं। भले ही गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को उनके पद से हटा नहीं सकते हो, लेकिन वह उन्हें सस्पेंड अवश्य कर सकते हैं। भले ही वह हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करने की शक्ति गवर्नर के पास ना हो, पर वह राष्ट्रपति को सुझाव दे सकते हैं कि किसे हाई कोर्ट का जज नियुक्त करना सही रहेगा। अगर गवर्नर चाहे तो वह एंग्लो इंडियन कमिटी
कम्युनिटी से एक व्यक्ति को सीधे विधानसभा में मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं। गवर्नर के पास यह शक्ति है कि वह राज्यसभा में 1/6 भाग पूरे सदस्यों में से नियुक्त कर सकता है। वह उन सदस्यों को उनके विशेष कार्यों जो उन्होंने कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के रूप में की है, उनके आधार पर वह इन सदस्यों की विधानसभा में नियुक्ति कर सकता है। गवर्नर की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 168 के अनुसार गवर्नर विधानसभा का एक अभिन्न अंग है। गवर्नर के पास ही अधिकार है कि वह निर्धारित करे कि विधानसभा का कार्य कब से शुरू किया जाए और कब तक विधानसभा के कार्य को चलाया जाए। हर इलेक्शन के बाद और साल के हर सेशन के पहले दिन में गवर्नर विधानसभा में उपस्थित होते हैं। गवर्नर अपने ऑफिस से ही विधानसभा को पत्र लिखकर कोई बिल जो विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है उसे पारित करने को आग्रह कर सकता है। उनके पास क्षमता है कि वह विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नियुक्ति के लिए कुछ व्यक्तियों का नाम सुझा सकते हैं। गवर्नर इलेक्शन कमिश्नर के सदस्यों के साथ परामर्श करके विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। विधानसभा में बिल पास होने के बाद उसे गवर्नर के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। इस बिल पर गवर्नर 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे सकता है। पहला, या तो वह बिल को हस्ताक्षर करके पास कर देगा, या तो वह कुछ महीने तक उस बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, या तो वह बिल को पूर्ण विधानसभा में कुछ संशोधन करने के लिए वापस भेज देंगे। पर अगर विधानसभा फिर से इस बिल को बिना किसी संशोधन के पास कर दे तो गवर्नर को इस बार इस बिल पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। अगर कोई बिल राज्य के न्यायपालिका, कार्यपालिका के हित में नहीं है तो गवर्नर उस बिल के चर्चा राष्ट्रपति के साथ कर सकता है और राष्ट्रपति को इसकी जानकारी भी दे सकता है। किसी भी प्रकार की बिल जो राज्य के हित में नहीं है तो राज्य के न्यायपालिका आदि को अपनी कार्रवाई करने से रोकता है तो गवर्नर उस बिल की जानकारी राष्ट्रपति को दे सकता है और उस बिल को पास भी नहीं करता। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि गवर्नर का किसी भी राज्य में शासन व्यवस्था, विधायी व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार गवर्नर का राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।